दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं? फाइनेंशियली फ्री होने का आखिर मतलब क्या है? फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब वो होता है जिसमें आपके पास इतनी वेल्थ हो जिससे आप घर बैठे भी आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, और इसमें आपको कोई जॉब करने की भी जरूरत नहीं, बस आपका वेल्थ ही आपके सारे खर्चे कवर करेगा। मतलब एक तरह से रिटायरमेंट की जिंदगी। अब आप लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, ये सब तो वैसे भी 60 की उम्र के बाद होना ही है, तो इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप फाइनेंशियली फ्री सिर्फ 30 या 35 साल की उम्र में हो जाओ, या फिर सिर्फ आने वाले 10 सालों में आप रिटायरमेंट की ज़िंदगी जियोगे, तो आप लोग शायद इसे मजाक समझोगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है और हुआ भी है। दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी करने जा रहे हैं, उस बुक के ऑथर महज 5 सालों के अंदर ही फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 30 या 32 साल की ही रही होगी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बुक के ऑथर यानी कि ब्रैंड की कहानी सुन लेते हैं। अगस्त साल 2010 तक ऑथर एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जो कि हमारे इंडिया में 70-80% लोग जीते हैं, मतलब कि एक स्ट्रगल लाइफ। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और एक कंपनी में जॉब पर लग गए। लगातार 3 साल जॉब करने के बाद भी वो अपने महीने के खर्चों को ही मुश्किल से ही हैंडल कर पा रहे थे। दिन के 10 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें वो रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें खुशी दे पाए, और इन्हीं सब की वजह से वो अपने लाइफ से हमेशा परेशान रहने लगे थे। और मात्र 24 की उम्र में उनकी जॉब भी चली गई थी और उन्हें मजबूरन अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना पड़ रहा था। अब देखा जाए तो हम ज़्यादातर इंडियंस 25 साल तक अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर रहते हैं, और जॉब लगने के बाद भी हम अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन अमेरिका में जस्ट इसको उल्टा है। वहाँ का कल्चर हमारे इंडिया से बहुत अलग होता है, जहाँ पर यह माना जाता है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई पूरी कर लिया हो तो उसे अपने खर्चे खुद के दम पर ही मैनेज करने पड़ते हैं, और इसके बाद भी अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है तो उसे एक लूज़र समझा जाता है। पर ऑथर ग्रैंड के साथ गलत ही हो रहा था। उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना पड़ रहा था। शर्मिंदगी झेलने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि सेविंग्स के नाम पर उनके अकाउंट में सिर्फ $2 ही बचे थे। इससे ख़राब हालत उन्होंने कभी नहीं देखा था, और अकेले सर्वाइव करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते थे। तो एक दिन उनके पेरेंट्स ने उनसे ये कह दिया कि बेटा, आखिर कब तक तुम हमारे भरोसे जीते रहोगे, और ये बात ऑथर के दिल में लग गई। तब उन्होंने ये सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, मैं 30 साल के पहले ही फाइनेंशियली फ्री होकर दिखाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इसके बाद उन्होंने खुद को फाइनेंशियली ट्रेन करना शुरू किया और फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगे, और इन सब को उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक जॉब पकड़ा और जॉब के साथ साथ 2 अलग-अलग बिजनेस भी स्टार्ट किए। शुरू में इनको भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो कि सभी के साथ होता ही है, पर ऑथर हार नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि एक साथ 3-3 कामों पर टाइम देना इतना भी आसान नहीं होता। पर थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा परेशानियों को हैंडल करते करते वो 30 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो ही गए। अब उनके पास सेविंग्स के नाम पर $1 मिलियन यानी करीब 7,50,00,000 रुपये थे। लेकिन ये मुकाम हासिल कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, और अपनी इसी कामयाबी की राज को उन्होंने एक किताब पर उतार दिया। और इस बुक में उन्होंने ये बताया है कि कैसे आप भी 30 या 35 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बुक की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा, जिससे कि आप भी जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्लैरिटी। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या कामों पर लगे रहते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत की कमाई को फिजूल खर्चों में उड़ा देते हैं। लेकिन वो अपने पैसों के साथ सही डिसीजन लेने का नहीं सोचते, जैसे इन्वेस्टिंग या सेविंग्स के बारे में। दरअसल वो ये भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो अपनी लाइफ में किस तरह से सेविंग्स कर पाएंगे। इसलिए ऑथर ग्रैंड कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि फ्यूचर में रिटायर होने के बाद उन्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है। मतलब कि आपको रिटायरमेंट होने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। अब हम ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, और कुछ को ये भी कम पड़ेगा तो वो 5 करोड़ या 10 करोड़ बोलेंगे। लेकिन ये सोच गलत है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते अपने फ्यूचर की। इसके लिए सबसे सही तरीका ये है कि आप अभी एक साल में जितना खर्च करते हो, मतलब इन खर्चों में आपके सभी खर्चे शामिल होने चाहिए, जैसे खाने पीने का खर्च, मेडिकल का खर्च और अदर इन्जॉयमेंट का खर्च, इन सभी खर्चों का टोटल अमाउंट निकालें और उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर कोई इंसान एक महीने में 30,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो एक साल में उसका खर्च 360,000 रुपये होगा।
जिसे हम 4 लाख मान लेते हैं, बाकी को इमरजेंसी फंड समझकर। तो अब इस 4 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि निकल कर आता है 1 करोड़। तो आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए 1 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी, जिससे आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। पर पहले ही बता दूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, क्योंकि सभी के खर्चे अलग अलग होते हैं। कोई महीने का 60,000 रुपये खर्च करता है तो उसे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 2 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। लेकिन अब आप ये कहोगे कि ये तो आगे की बात है, और जाहिर सी बात है आगे महंगाई भी बढ़ेगी और खर्चे भी, तो हम एक फिक्स्ड अमाउंट ही लेकर क्यों चले। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि आप अपने पैसों को तिजोरी में तो रखोगे नहीं, जाहिर सी बात है आप उन पैसों को इन्वेस्ट करोगे ही। अगर आप अपने उन आधे पैसों को भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो FD कराने पर भी आपको कोई घाटा नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इतना पैसा हम 30 या 35 साल की उम्र में लाएंगे कहाँ से और कैसे। तो इसका जवाब आने वाले लेसन में है, जो है सेल्फ सफिशियंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगें कि आपको अपने रोज़मर्रा के खर्चों के बारे में सोचना ना पड़े, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का पहला कदम उठा सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे आपकी इनकम सोर्स क्या है, आप कितना इनकम कमाते हैं, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, आपके पास कितने एसेट्स हैं और आपके महीने के खर्चे कितने हैं। इन सभी चीज़ों का हिसाब आपको हर महीने निकालना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कहाँ खड़े हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके खर्चे ही आपके इनकम से ज़्यादा हो। तो ये सभी पहले स्टेप में आता है। दूसरा स्टेप है ब्रीदिंग रूम। दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी मौजूदा स्थिति क्या है और आपको अपना गोल हासिल करने के लिए और कितनी दूर जाना है, तब आप नेक्स्ट फेज पर कदम रखें। दरअसल इस फेज़ में हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और आपको अपनी सैलरी को छूने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब इस फेज़ में आपके महीने के सारे खर्चे आपके इन्वेस्टमेंट कवर करेंगे, और इनकेस आपकी सैलरी आना बंद भी हो जाए तब भी आप सर्वाइव कर सको। बेसिकली इस फेज़ में आपको अपने खर्चे का हिसाब और उन पर कंट्रोल करना होता है, और सबसे खास आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें, और कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये सोचें कि ये चीज़ खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है और ये चीज़ आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। इसके बाद अगला स्टेप है स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस फेज़ में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं होता, और आपको अपने खर्चे कवर करने के लिए किसी से मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इस स्टेप में आपकी इनकम आपके खर्चों से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। मतलब इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि उसकी इनकम बंद होने के बाद भी उन पैसों से 1 या 2 साल तक आराम से जी सके, और ये इंसान फाइनेंशियल स्टेबल कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, इस स्टेज में आप फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस स्टेज में आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहाँ से आपकी मेन इनकम आती है, और आपको अपना जॉब तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपके साइड बिजनेस से अच्छी खासी और बेहतर रिटर्न नहीं आ जाते। अगला है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस स्टेज में आप बिना कोई काम किए भी आराम से जी सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज में पहुंचने के बाद आपको पहले की तरह कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने सालों से की हुई इन्वेस्टमेंट से ही बहुत इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपका माइंडसेट वैसा हो। दरअसल आपको यहाँ एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें आप पैसे कमाने और पैसा सेव करने के आइडिया को खोज पाएं। और लास्ट स्टेप है अबैंडन्ड वेल्थ। दोस्तों, जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को इम्पोर्टेंट देते हो, तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हो। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स और मुकेश अंबानी जैसे अमीर लोग पैसों से ज़्यादा अपने समय को महत्व देते हैं। दोस्तों, ये आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक स्टेप आगे लेकर जाता है। इस स्टेज में आप जो चाहे खरीद सकते हैं, जितना चाहे खर्च कर सकते हैं, एक तरह से राजा की ज़िंदगी। लेकिन इसकी भी शुरुआत आपके एक छोटे से फैसले से ही होती है, और कुछ रूल्स के बदौलत। और ऑथर आखिर में ये कहते हैं कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो उतना ही जल्दी आप वेल्थी बनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।